अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमारा आज का लेक्चर नंबर 15-24 डेट का मंडे डे है। एक्सरसाइज 3 है, हमने डिवीजन वाली शुरू की थी। उसके क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्क आउट दीज असम्स शोइंग द रिमाइंडर। यहाँ पे भी हम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करेंगे सेम एज इट इज़ जैसे कल किए थे। 6 8 48 वन रिमाइंडर, 8 7 56 टू रिमाइंडर, 9 9 81 रिमाइंडर 2, 10 3 30 रिमाइंडर 2, 7 9 63 रिमाइंडर 265 में से माइनस किया, 9 8 72 रिमाइंडर 2, 8 8 64 रिमाइंडर 2, 8 10 80 रिमाइंडर 5। इसके बाद 8 6 30 रिमाइंडर 1, 9 8 72 7 रिमाइंडर 4 10 40 रिमाइंडर 3, 9 9 81 रिमाइंडर 8, 7 7 49 रिमाइंडर 5, 5 9 45 रिमाइंडर 4, 6 8 48 रिमाइंडर 4। राइट द क्वेश्चन एंड शोइंग द रिमाइंडर वेयर नेसेसरी। ये क्वेश्चन बड़ा इंतहा ईजी है। आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ जिसकी मदद से आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। देखें कैसे होंगे ये क्वेश्चन। जो भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे 51 है, तो उसका हम 5 यहाँ पे लिख देंगे और रिमाइंडर ये वाली वैल्यू जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू है यानी कि यूनिट प्लेस पे, उसे हम रिमाइंडर हर क्वेश्चन में लिखेंगे। बाकी वैल्यू हमारे पास शुरू में लिखी जाएगी यानी कि वो क्वेश्चन होगी, और जो लास्ट या टेंथ वाली वंस वाली वैल्यू है वो हमारे पास रिमाइंडर है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 243 है तो 24 और रिमाइंडर 3, 999 में 99 हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन और रिमाइंडर 9, 70 में 7 रिमाइंडर 7 क्वेश्चन 0 रिमाइंडर, 408 में 40 हमारे पास क्वेश्चन है और रिमाइंडर 8 REM रिमाइंडर के लिए यूज़ हो रहा है, 11 यहाँ पे है और रिमाइंडर 9, 88 है और रिमाइंडर 0, 756 में 75 है और रिमाइंडर 6 है, और 201 में 20 है और रिमाइंडर 1 है। ये आज का लेक्चर है, इजी से क्वेश्चन है। आप लोग टेबल याद करके क्वेश्चन को विद इन 5 मिनट्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।